मैं अपने होटल का कुछ व्यू दिखा देता हूँ बाहर से कुछ। देखिए ये, देखिए ये जीनत होटल है और ये इनका मोबाइल नंबर है। ये देखिए ये है साबिर पाक की दरगाह का मेन गेट, आप यहाँ से एंट्री कर। ये देखिए ये है साबिर पाक के टाइम का कुआं और आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा नल भी लगा हुआ है और यहाँ से लोग पानी पी रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में और आज मैं हूँ कलियर में, कलियर शरीफ में। तो मैं इस समय हूँ अपने होटल में जो जीनत होटल है, होटल का नाम है जीनत और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा होटल, यहाँ पर मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छा होटल है यहाँ का ये, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका व्यू, फिर इसके बाद हम चलते हैं साबिर पिया की दरगाह पे उनको सलाम करने के लिए। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप सारी दरगाहों पे आप जो है दीदार कर सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में लास्ट तक, सारी दरगाहें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मैं पहले आपको जो होटल का व्यू दिखा देता हूँ, फिर मैं इसके रेंट वगैरह के बारे में आपको बता दूँगा। जीनत होटल है और ये इनका मोबाइल नंबर है, आप कभी भी यहाँ से जो है अगर पहले ही प्री बुकिंग करना चाहते हैं अपने रूम की तो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का व्यू है कुछ। ये जो होटल है, ये होटल है जहाँ पर जो है जो कुरान रखा हुआ है यहाँ पर एक डेढ़ कुंटल का, तो उसकी ज़्यारत होती है यहाँ पे, तो इसके ही बराबर में ये होटल है, आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अपने कुरान की जो है ज़्यारत भी कर सकते हैं जो हमारे साबिर पाक ने लिखा था अपने हाथ से। चलिए अंदर का व्यू दिखा देता हूँ मैं इसका होटल का। और ये है इसका रिसेप्शन, ये देखिए मैं अब जो हमने रूम लिया है वो नॉन एसी है और ये देखिए ये कुछ इस तरह का व्यू है हमारे रूम का। ये देखिए एक कूलर भी लगा हुआ है इसमें, फ़ैन भी है। अगर लाइट वगैरह की सुविधा की अगर मैं बात करूँ, अगर लाइट भी नहीं आती है तो जनरेटर का भी इसमें जो है उपलब्ध है सुविधा इसमें। और एसी और नॉन एसी की अगर मैं बात करूँ तो 800 से 1000 रुपये में रूम मिल जाता है और एसी की अगर मैं बात करूँ तो 1500 से 2000 रुपये मिल जाता है। ये इस तरह का होटल है। और चलिए चलते हैं अब हम अपने जो है साबिर पिया की दरगाह पे, वहाँ की ज़्यारत करते हैं। अब हम तीनों लोग हो चुके हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं साबिर पिया की दरगाह की तरफ और वहाँ पर ज़्यारत करते हैं उनकी और आप लोगों को भी हम दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, सारी दरगाह की आपको ज़्यारत दिखाएंगे आज हम। हाँ, मैं इस समय चौराहे पर, जो ये रास्ता आप देख रहे होंगे ये इमाम साहब की दरगाह पे जा रहा है जो साबिर पाक के जो मामू हैं वो, ठीक है। और ये जो रास्ता जा रहा है ये साबिर पाक की दरगाह की तरफ जा रहा है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए बोर्ड भी लग रहा है, दरगाह हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियर। तो चलिए मैं चलता हूँ अब साबिर पाक की दरगाह की ओर। ये देखिए ये है चारों तरफ मार्केट, आप देख रहे होंगे, और ये रास्ता जा रहा है कलियर पाक जो है साबिर पाक की दरगाह की ओर को। और यहाँ से ये मेरे साथी लोग जो है टोपी ख़रीदते हुए, और बाकी चलिए अंदर आगे का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं इस समय 3:30 और धूप भी हो रही है और गर्मी भी थोड़ी आज ज़्यादा है और दिन से। बाकी चलिए अंदर चलते हैं दरगाह में। मार्केट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी मार्केट है साइड में और आप यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह भी ले सकते हैं, लेडीज़ के लिए सामान भी ले सकते हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छा सामान मिलता है यहाँ पर, थोड़ा महंगा तो मिलता है और जगह से। ये देखिए ये है इसका मेन गेट के लिए एंट्री का गेट है ये, इधर से चलिए अंदर चलते हैं। इसके खाना जो होटल्स वगैरह भी हैं काफ़ी, ये देखिए आप यहाँ से चादर वगैरह सिन्नी वगैरह ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। बाकी अंदर चलते हैं, वज़ू वगैरह कर लेते हैं। का मेन गेट, आप यहां से एंट्री कर सकते हैं। और चप्पल की अगर मैं बात करूं तो देखिए जूता चप्पल जो है आप यहां पर रख सकते हैं गेट पर, गेट के पास में 10 रुपये प्रति जोड़ी ये लेते हैं। देखिए गाइस सिन्नी वगैरह हमने ले लिया, चादर ले लिया अंदर चढ़ाने के लिए। बाकी चलते हैं, पहले हम अपनी जूती चप्पल रख देते हैं, 10 रुपये जोड़ी रखे जाते हैं गेट के पास में ही, और वहाँ पर जाकर पहले अपने जूते और ये चप्पल अपने रख देते हैं वहाँ पर चल के। देखिए यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं 10 रुपये जोड़ी में। चलो अंदर
और ये देखिए मेरे पीछे है साबिर पिया की दरगाह, आप देख सकते हैं। और आप देखिए ये है चारों तरफ का नज़ारा, आप ये देखिए। आज है जुम्मेरात का दिन है आज, तो आज के दिन जो है यहाँ पर कव्वाली वगैरह होती हैं, तो यहाँ पर कव्वाली भी हो रही हैं। और बाकी जो हमने जो चादर वगैरह ली है तो उसको हम चढ़ा लेते हैं चल के अंदर। वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं है, बट देखिए मैं बाहर से आपको ज़्यारत करा देता हूँ इसकी बैक कैमरे। अंदर से ज़ियारत करने के बाद आप इस गेट से जो है बाहर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये देखिए ये है साबिर पाक के टाइम का कुआं, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा नल भी लगा हुआ है, और यहाँ से लोग पानी पी रहे हैं। इस कुएं से ही ये डायरेक्ट पानी आ रहा है, और यहाँ से वैसे टंकी टोटी वगैरह भी लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर आप वज़ू वगैरह भी कर सकते हैं, बट ये देखिए छोटे छोटे जो है ये देखिए नल लगे हुए हैं, यहाँ पर आप पानी पी सकते हैं। ये कुएँ का पानी है। दूसरा गेट है दरगाह के अंदर आने के लिए, और वो जो था मैंने पहले दिखाया था आपको, वो पहला गेट था दरगाह के अंदर एंट्री करने के लिए, वो मेन गेट है, ये दूसरा गेट है। आप देखिए ये सामने है मेरे साबिर पिया की दरगाह। तो गाइस साबिर पाक की दरगाह की ज़ियारत मैंने आपको करा दी है, और अब हम चल रहे हैं साबिर पाक की दरगाह से हम बाहर निकल चुके हैं, अब हम चल रहे हैं इमाम साहब की दरगाह की ओर। तो चलिए उनकी दरगाह का भी हम आपको ज़ियारत करा देते हैं। गाइस ये है अजमेरी गेट, अब हम जो है इमाम साहब की दरगाह के पास पहुँचने वाले हैं, उनकी दरगाह के हम करीब में आ चुके हैं। उससे पहले एक गेट पड़ता है, आप यहाँ पर जो है खड़े होकर यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ जो है प्रोग्राम वगैरह चलता रहता है, बच्चों के लिए खेलने के लिए काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए ये अजमेरी गेट के पास में आप जो है बच्चे वगैरह भी अगर आते हैं तो यहाँ पर खेल वगैरह सकते हैं। ये देखिए कितना एंजॉय ले रहे हैं ये बच्चे अब लोग। और आप अगर जो है ऊँट की सवारी करना चाहते हैं तो ये देखिए ऊँट खड़े हैं, आप यहाँ पर इनकी सवारी वगैरह भी कर सकते हैं। और ये देखिए आप देख रहे होंगे ये मोटरसाइकिल चल रही है, और आप देखते हैं इसकी भी सवारी आप कर सकते हैं, 50 रुपये चार्ज होता है पर हेड। आप इसके देखिए वो देखिए वहाँ से चला के लेकर आ रहे हैं, इसको आप चला सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए गाइस सामने है दरगाह इमाम साहब की। ये देखिए हम बहुत बेहद करीब में पहुँच चुके हैं इमाम साहब की दरगाह के, यहाँ से आप वुज़ू वगैरह कर सकते हैं, और ये बराबर में इधर मस्जिद है, आप यहाँ पर नमाज़ वगैरह भी अदा कर सकते हैं। और ये बराबर में मार्केट है दोनों साइड में, आप यहाँ से कुछ भी मतलब अगर ख़रीदने का हो मन तो कुछ भी ख़रीद सकते हैं, पर्स वगैरह चूड़ी वगैरह बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह ख़रीद सकते हैं। ये देखिए यह है इसका मेन गेट, और आप यहाँ पर जूती चप्पल वगैरह रख सकते हैं, 5 रुपये जोड़ी जूती चप्पल। ये देखिए गाइस हम आ चुके हैं इनके मेन गेट पर, और मैं इनका पूरा नाम आपको अगर बताऊं तो दरगाह शरीफ हज़रत इमाम अबू सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाही, जो 70 पीर और 72 वलियों के इमाम रह चुके हैं ये। और चलिए अंदर चलते हैं और एंट्री कर लेते हैं। देखिए इधर से आप आ सकते हैं, इधर से एंट्री करेंगे दरगाह में अंदर, और बाहर से उधर से दूसरी साइड से आप बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए अंदर एंट्री कर लेते हैं हम, क्योंकि अंदर जो है वीडियो बनाना अलाउ नहीं। आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे ये इधर से जो है एंट्री वो एग्ज़िट होता है, और आप इधर से जो है एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री करने का गेट अलग होता है और एग्ज़िट करने का गेट अलग होता है। काफ़ी मतलब गर्म हो रहा है फ़र्श भी, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी आज, गर्मी भी बहुत थी। और ये है इमाम साहब की दरगाह,
जिसकी इजाजत मैं आपको और बैक कैमरे से करा देता हूँ। इमाम साहब की दरगाह पे होने के बाद अब हम जा रहे हैं किलकारी साहब की दरगाह की ओर। और देखिए आपको मैं दो दरगाह घुमा चुका हूँ, उनकी ज़्यारत करा चुका हूँ, एक साबिर पाक की दरगाह का और एक इमाम साहब की दरगाह का। और अब हम चलते हैं तीसरी दरगाह पे जो किलकारी साहब की दरगाह है, तो चलिए मैं उसका भी आपको दीदार करा देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, फिर जो है अपने ब्लॉग का लास्ट कर दूँगा यहीं पर। चलिए दरगाह पर चलते हैं। मेरे पीछे देख रहे होंगे ये अली शाह की दरगाह है, और यहाँ पर जो है आप नमक झाड़ू वगैरह चढ़ाकर जो भी आपकी मुराद जो आप मांग सकते हैं वो मांग सकते हैं, जैसे कि पत्थरी वगैरह हो या मस्से वगैरह हो या दाग वगैरह हो, कोई भी हो, तो इनकी जानिब से जो है वो ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी ये मुराद अगर पूरी हो जाती है तो आप यहाँ आकर नमक और झाड़ू वगैरह यहाँ से लेकर इन पर चढ़ा सकते हैं इनकी दरगाह पे। और मैं आपको हाल ही की बता दूँ अभी कि जो गवर्नमेंट का आदेश आया था तो इन्हीं अली शाह की दरगाह का हटाने का आदेश आया था, तोड़ने का आदेश आया था, जो जल कल विभाग ने इसको जो यहाँ पर नोटिस लगाया था। बहरहाल अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट तक अभी तक बात चली है, सीएम तक बात पहुँची है वो। बाकी आप यहाँ अगर कलियर शरीफ आ रहे हैं तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी पत्थरी वगैरह हो या रसोली वगैरह हो या क्या कहते हैं मस्से वगैरह हो या ताग वगैरह कोई भी हो, तो आप इनसे दुआ मांग सकते हैं। जब आपकी दुआ कबूल हो जाए तो आप यहाँ आकर झाड़ू और नमक वगैरह यहाँ पर प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। चलिए तो फाइनली गाइज हम जो है सारी दरगाह पे घूम चुके हैं, साबिर पाक की दरगाह पे भी घूम चुके हैं और इमाम साहब की दरगाह पे भी घूम चुके हैं, और लास्ट में ये अली शाह की दरगाह पे भी हम आ चुके हैं, जिसको जो है गवर्नमेंट ने तोड़ने का आदेश दे दिया था। अभी पीछे नोटिस वगैरह भी यहाँ पर चिपकाया था, बाकी अभी तो कोई ऐसा आदेश आया नहीं है इस दरगाह के लिए। बाकी अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भाई फरमुद्दीन भाई कैसा लगा आपको यहाँ आके? बढ़िया लगा, बढ़िया। आप रफ़ी भाई? बहुत बढ़िया माशाल्लाह, काफ़ी सुकून है यहाँ पे आके। आप अपने लिए दुआ मांग सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ आके दुआ मांगिए, और आपकी दुआ अगर कबूल होती है तो आप यहाँ आकर दोबारा जो भी आप जो भी मांगें वो आप अपनी मुराद पूरी हो जाती तो आप यहाँ आकर चढ़ा सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, हमारे रफीक भाई से संपर्क कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।